हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इसके पहले हम आपको बता दें, हम अपने पिछले वीडियो में शॉर्ट आंसर दे चुके हैं पहले चैप्टर के, अ गर्ल विद अ बास्केट के, तो उसमें 5 हम शॉर्ट आंसर करीब दे चुके। तो ये इसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम और कुछ शॉर्ट आंसर लेकर आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करें। उससे पहले हम आपको बता दें, जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जो भी आगे और हम वीडियोस बनाएं वो आपको सबसे पहले मिलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, वो है विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। तो क्वेश्चन का मतलब है विच वेंडर, किस विक्रेता ने अमंग द चिल्ड्रन बच्चों के बीच ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई सबसे ज़्यादा लेखक का ध्यान खींचा और क्यों खींचा। तो कौन सा ऐसा वेंडर था? तो इसका आंसर है, पहले तो आपको बताएं, ये तो चूंकि हमने जो शॉर्ट आंसर दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आप इनको वैसे ही लिखें, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर को बार बार, जो हमने इसके पहले इससे रिलेटेड जो चैप्टर दिया हुआ है अ गर्ल विद अ बास्केट, इसको आप अच्छे से बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाए, तभी आपसे शॉर्ट आंसर बन सकेंगी। तो देखें, तो विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई, कि किस बच्चों के बीच में से किस विक्रेता ने सबसे ज़्यादा राइटर का, लेखक का ध्यान खींचा और क्यों खींचा। तो आंसर है अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल अमंग द चिल्ड्रन, कि बच्चों के बीच में से 9 वर्ष की एक लड़की ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट, उसने सबसे ज्यादा लेखक का ध्यान खींचा। बिकॉज सी वाज मोस्ट एग्रेसिव एंड इंटेलिजेंट वेंडर, मोस्ट एग्रेसिव, वो बहुत एग्रेसिव, आक्रामक और परिश्रमी विक्रेता थी। सी वाज सेलिंग हर आर्टिकल्स इन सच अ टोन, वो अपने सामान को इस तरीके से, इस आवाज में वो बेच रही थी कि दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जिससे किसी का भी हृदय पिघल सकता था। यहाँ वुड की जगह हम कुड भी यूज कर सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू WC डगलस, यानी विलियम सी डगलस के हिसाब से बच्चे प्लेटफॉर्म पर क्या बेच रहे थे और वाई वर दे डूइंग सो, वे ऐसा क्यों कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू WC डगलस यानी विलियम सी डगलस के हिसाब से द चिल्ड्रन वर सेलिंग हैंडमेड आर्टिकल्स, हैंडमेड आर्टिकल्स यानी हाथ के बने हुए आर्टिकल्स, सामान बेच रहे थे, जैसे कि उनमें क्या क्या था, सच एज बास्केट एंड फैंस, टोकरियाँ और पंखे वगैरह थे। दे वर सेलिंग दीज आर्टिकल्स, वे इन आर्टिकल्स को बेच रहे थे, इन वस्तुओं को बेच रहे थे टू अर्न देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, वॉट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, किस चीज़ में फोर्स किया राइटर को, किस चीज़ ने बाधित किया, फोर्स किया, मजबूर किया टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, कि जिससे कि वो छोटी बच्ची के टोकरी को खरीद सके। तो इसका आंसर है द राइटर गेव द लिटिल गर्ल अ हैंडफुल ऑफ चेंज सो दैट ही माइट प्लीज हर। अब राइटर ने लड़की को हैंडफुल यानी मुट्ठी भर को चेंज दिए, सिक्के दिए थे उसने, सो दैट ताकि ही माइट प्लीज हर, ताकि वो उसको खुश कर सके। इसका मैटर क्या था, जब लेखक सारे आर्टिकल्स खरीद चुका होता है और अन्य बच्चों से, उसके पास कोई जगह नहीं होती है, तो उस बच्ची को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ सिक्के देता है मुट्ठी भर। तो सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी एज ए गिफ्ट, तो गिफ्ट के रूप में वो इन पैसों को लेने से मना कर देती है। तो राइटर फेल्ट दैट, तो राइटर ये महसूस करता है कि ही हैड हर्ट हर फीलिंग्स, कि ऐसा करके लेखक ने उसकी फीलिंग को हर्ट किया है। तो दिस फोर्स द राइटर टू बाय हर बास्केट, तो ये राइटर को फोर्स करता है कि वो उसकी बास्केट खरीद ले। अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव टू पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया, व्हाट वन रीजन, अब वो एकमात्र कारण क्या था जो लेखक ने पंडित नेहरू को बताया या दिया कि उनको भारत से प्रेम हो गया, फॉर हैविंग फॉल इन लव विद इंडिया, कि वो भारत के प्रेम में पड़ चुके, भारत से उनको लगाव हो गया इंडिया से। तो क्वेश्चन का आंसर है द प्राइड एंड हाई सेंस ऑफ द लिटिल गर्ल
फॉर हर सेल्फ रिस्पेक्ट। जो छोटी बच्ची का जो हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट था, यानी जो उच्चता का भाव था आत्मसम्मान के प्रति और गर्व के प्रति, जो उच्चता का भाव था उसका, वाज वन रीजन विच द राइटर गेव टू पीटी नेहरू फॉर हैविंग फॉल इन लव विद इंडिया। यही में मात्र एक कारण था जो उन्होंने पंडित नेहरू से बताया कि उनको भारत से प्रेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। अब राइटर भारत के लोगों के बारे में क्या सोचते थे, लेखक क्या सोचता था? तो द राइटर थॉट दैट इंडियंस वर फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब लेखक ये सोचते थे कि जो भारतीय हैं वो किस चीज़ से भरे हुए हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी, सम्मान से। तो दे वर फुल ऑफ डिसेंसी, उनमें शिष्टाचार से भी भरे हुए हैं वो, एंड अ सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड डिजायर फॉर फ्रीडम, और उनमें नागरिकता का एक भाव है और स्वतंत्रता के लिए एक प्रबल इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस डिड द ऑथर सी इन द ब्लेजेस ही पास्ट। अब किस प्रकार के घरों को लेखक ने देखा जिन गांवों में, जहां से वो गुजरा, इन द ब्लेजेस ही पास्ट, मतलब जिन गांवों से वो गुजरा वहां से उसने किस प्रकार के घरों को देखा। तो इसका आंसर है, द हाउसेस सीन बाय द ऑथर इन द ब्लेजेस ही पास्ट। अब जिन गांवों से वो गुजरा, जो घर उसने देखे, बर मेड ऑफ मड, वो मिट्टी के बने हुए थे, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग, जिसमें वाटर पानी और काउडंग गोबर था। देयर रूफ्स वर थेस्ड विद ग्रास एंड बेम्बू पोल्स, उनकी छतें ग्रास घास से और उससे बेम्बू पोल्स यानी बांस के लट्ठों से छवी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, कि भारतीय संस्कृति के में अद्वितीय क्या है, ऐसा क्या अनोखी विशेषता है। तो द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइड एंड गुड बिहेवियर इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड और अच्छा आचरण, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन आत्मसम्मान, गर्व और अच्छा आचरण भारत में एक अद्वितीय चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू टू हेल्प द लिटिल गर्ल। अब छोटी बच्ची की मदद करने के लिए लेखक ने ऐसा क्या किया? तो टू हेल्प द लिटिल गर्ल द ऑथर डिपोजिटेड अ ग्रेच्युटी ऑफ अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स इन हर बास्केट। ऑथर ने क्या किया, डिपोजिटेड, जमा कर दिया, अ ग्रेच्युटी, एक दान, दान के रूप में कुछ मुट्ठी भर सिक्के उसने उसकी बास्केट में जमा कर दिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के सारे शॉर्ट आंसर कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जो नया चैप्टर होगा उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे अगले वीडियो में। नया चैप्टर है आपका सॉरी वो है फेलो ट्रेवलर, जो नया चैप्टर है वो है आपका फेलो ट्रेवलर, तो उसमें मिलते हैं। आप हमसे बराबर जुड़े रहें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।